नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। नगीना में 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 गिरफ्तार। 2 दिन पहले घर में घुसकर वारदात को दिया था अंजाम। दरअसल नगीना की देहात कोतवाली पुलिस ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 दिन पहले घर में घुसकर महिला से रंगदारी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। गांव करौंदा चौधर निवासी अखिलेश कुमार पुत्र केसरी सिंह का नजीबाबाद मार्ग पर दुकान है। 2 दिन पहले नगीना के मोहल्ला लालसराय निवासी परवेज पाशी पुत्र अनीस उल हसन अपने साथी फुरकान अहमद और आबिद बेग को साथ लेकर अखिलेश के घर में घुस गए और उनकी पत्नी पुष्पा देवी को धमकाते हुए 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मांग पूरी न करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पीड़िता के पति ने थाना कोतवाली देहात में पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर तीनों के विरुद्ध रंगदारी मांगने में गाली गलौज समेत सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। उकबिर की सूचना पर नगीना मार्ग से सोमवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।